हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एकेडमी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ITJEE मैथमेटिक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2018 का क्वेश्चन नंबर 14 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो MCQ में ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। 11 to 30 जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क के होते हैं, 1 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क के होते हैं। और MCQ में ये होता है कि या तो 3 आप इनकरेक्ट चूज करो या फिर 1 करेक्ट चूज करो, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करो कि क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इसमें बात हो रही है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की। कन्वर्जेंट या नॉट कन्वर्जेंट का मतलब डाइवर्जेंट होता है। और हमें गिवेन है कि an = -1n/√(n)/(n), ठीक है। एंड cn जो हमारे पास है, cn गिवेन है कि समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 to n a n - k into a k व्हेन n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। देन आपको विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे cn an क्या है हमारे पास, an गिवन है -1n/√(1)/n, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए जैसे n इज इक्वल टू 0 आप लोगे तो हमें क्या मिलेगा, a0 a1 हो जाएगा यहाँ पे। तो a1 की a0 की वैल्यू 1 मिलेगी, और जब n इज इक्वल टू आप 1 लोगे तो a1 मिलेगा। a1 क्या होगा, -1n/1, तो -1/2 यहाँ हो जाएगा, 1/√(2) मिलेगा। अब इसी तरह जब आप n इज इक्वल टू 2 लोगे तो ऊपर इवन मिलेगा, तो a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको इवन मिलेगा तो 1/√(3) मिलेगा। अब जब n इज इक्वल टू 3 लोगे तो यहाँ ऑड मिलेगा, तो a3 हमारे पास क्या मिलेगा, -1/√(4). 4 का मतलब क्या हुआ, या इसको 2 भी लिख सकते हैं, -1/2 ये मिलेगा। इस टाइप का हमारे पास मिलेगा। तो जो ए सीक्वेंस है एन, तो किस तरह से आएगी हमारे पास, 1 -1/√(2) 1/√(3) -1/√(4) इसी टाइप का आएगा। अब इसे भी तो मैं लिख सकता हूँ √(1), तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास un, जब मैं यहाँ से लूँगा तो un हमारा क्या आएगा, un ये जैसे ही एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी आप लगाओगे, un हमारे पास कुछ इस टाइप का आएगा। तो un हमारा क्या होगा, un जो भी आएगा 1/√(n) टाइप का आएगा, इस टाइप का ही तो बनेगा, 1/√(n). और जब इसमें लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये 0 पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इवन ऑड के बनेगा, कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो ये जो हमारा an है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब बात आती है cn, cn को कैसे आप चेक करोगे। अब cn की बात आती है, तो जब आप cn लोगे तो cn हमारे पास है समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 to n an - k into a k है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 to n, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, -1n/√(1)/n के स्थान पे क्या रखेंगे, n - k into a k के स्थान पे -1n/√(1)/n, 1 प्लस यहाँ k होगा, तो यहाँ भी k होगा।
अब जब आप इसको और सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा आपको, आपको मिलेगा कि समेशन ऑफ के इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन की पावर क्या होगा एन यहाँ पे आएगा, और ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एन माइनस के इंटू वन प्लस के, ये कुछ आएगा। अब ये डिफाइन किस टाइप से होगा, ये जो हमारा सी एन है ये कुछ आड इवेंट पे डिफाइन होगा। अब सी एन हमारा जब हम इवन ले गए, एन अगर मैं इवन लूँगा तो यहाँ पे हमें वन मिलेगा, वन अपन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एन माइनस के इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस के। अब जब मैं ऑड लूँगा तो हमें कुछ एन इज इक्वल टू, जब ऑड लेंगे तो जैसे ही मैं ऑड लूँगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वन अपन अंडर रूट ऑफ माइनस वन अपन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एन माइनस के इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस के। अब देखिए ये हमारे पास सी एन जो है, एक सिक्वेंस हमारे पास जो है ये गिवेन है। अब देखिए एक ही सिक्वेंस के यहाँ पे दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सीरीज हमारे पास जो गिवन है, ये सीरीज है हमारे पास जो, ये सीरीज हमारे पास गिवन है। अब इस पर जब आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो इस सीरीज ये कुछ एल वन पे जाएगी, ये हमारी एल वन पे जाएगी और ये वाली ये एल टू पे जाएगी। और एक सीरीज कभी उसके दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, कोई भी सीरीज आपको गिवेन हो उसके ओनली एक ही लिमिट पॉइंट होगा। अब यहाँ पे इवन पे कुछ और हमें मिल रहा है, आड पे कुछ और मिलेगा। इवन पे हो सकता है इन्फिनिटी, आड पे माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो दोनों अलग अलग जा रहे हैं, दोनों की लिमिट पॉइंट अलग अलग हैं, और सीक्वेंस हमारे पास ओनली एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। जब दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते तो कन्वर्ज नहीं करेगी, क्या हो जाएगी ये हमारी सीक्वेंस डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन पे आते हैं कि बी ऑप्शन हमारा क्या कर रहा, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन इज कन्वर्जेंट, ए एन कन्वर्ज कर रही थी, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन नॉट डाइवर्जेंट। नॉट डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि नॉट कन्वर्जेंट का मतलब है कि ये डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्ज तो कर रही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए सी और डी हमारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। क्लियर है, समझ में आया आप सभी को। आप सब हमें अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अन अकेडमी पर हमें अजय कुमार नाम से सर्च करोगे, अजय कुमार नाम से तो आपको मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।